रूटीन में जब प्रशासनिक आधार पर कोई बंदी आता है तो अपरेंटली हम उसको अलग रखते हैं, वाच करते हैं, जेल की जो सिक्योरिटी हमारे पास पहले से है उसका पूरा प्रयोग करके निगरानी में रखते हैं, मैं वही कर रखा हूँ। नहीं देखिए देखिए, लेटर ये ऑफिशियल प्रोसेस है और हम किसी के बारे में भी समझते हैं कि हमारे जेल की जो एक रूटीन व्यवस्था है उससे डिफरेंट हमको कुछ करना पड़ेगा, अतिरिक्त करना पड़ेगा, तो हम उसमें प्रयास करते हैं कि ये रूरल एरिया में है हमारा जेल तो उससे थोड़ा सा प्रोटेक्टेड रहे, और मैंने वही लिखा है और उसमें फिर हमारा थीम क्या है, प्रोसेस क्या है, तो ये तो ऑफिशियल चीज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैंने लेटर लिखा है, आपको पता है। देखिए बिल्कुल हम चाहेंगे कि जब हम बरेली जेल में हैं तो बरेली की पब्लिक, जेल के बंदी जो फुल डिसिप्लिनड हैं, हम अंडर कंट्रोल पहले से किए हुए हैं, एक रूटीन में रह रहे हैं, उसे डिफरेंट कोई आएगा और वो डिफरेंट जो आएगा वो किन्हीं कारणों से आएगा, कुछ परिस्थितियां होंगी जिनके कारण भेजा गया होगा, तो उन परिस्थितियों को वाच करके हमको फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करना होगा। तो हम चाहेंगे कि कहीं और शिफ्ट हो जाए, रूरल एरिया में ये जेल है तो हमारा पूरा रूरल एरिया में जेल अनप्रोटेक्टेड होगा, इसलिए हम चाहेंगे कि कहीं अलग जगह शिफ्ट हो जाए। देखिए हम लोग रूटीन वे में औचक निरीक्षण करते हैं जेल का, और जब भी निरीक्षण करते हैं तो हम लोग काफ़ी फोर्स के साथ वहाँ जाते हैं, तो इससे डिटरेंस इफेक्ट भी क्रिएट होता है और उसके अलावा सिक्योरिटी भी इंश्योर्ड होती है जो फोर्स उसकी चेकिंग करते रहती है। तो उसी सिलसिले में आज भी हम लोग सभी एडीएम साहब के साथ, एसपीआरए साहब के साथ सभी लोगों ने निरीक्षण किया जेल का। क्या कुछ निकल के आया है अभी तक? नहीं, इसमें कोई भी ऐसी अनवांटेड चीज़ नहीं निकल के नहीं आई, हम लोगों ने काफ़ी सारी बैरकों का निरीक्षण किया है, कहीं भी कोई भी अनवांटेड चीज़ निकल के नहीं आई। ये एसपीआरए एसपीसीटी साहब के नेतृत्व में और पूरी फोर्स के साथ हम लोगों ने अभी जेल का औचक निरीक्षण किया था, बैरक नंबर 98 को देखा गया स्पेशली, और जितने और भी कैदी थे उनको भी देखा गया, और उसमें जो एक कैदी हैं अतीक अहमद उनको भी देखा गया, और जो भी सामान था उनका और एक एक सामान अटैची सारी चीज़ें खुलवा के सबको देखा गया, जो अन्य कैदी थे उनका भी सामान पूरा चेक कराया गया, कहीं कोई ऐसी अवांछनीय चीज़ जो है प्रकाश में नहीं है।